सत्ता तक यहां पे पहुंचाया और सत्ता में पहुंचने के बाद गरीब आवाम को भूल के लोगों की परेशानियों की अनदेखी की गई। आज कांग्रेस यहां पे इनके साथ खड़ी है, लेकिन वो सरकार जो है वो अंबानी अडानी के तरफ यहां पे खड़ी होती दिखाई दी। एक कदम भी एक लफ्ज भी उनके मुंह से नहीं निकला कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में जो गरीब आवाम त्राही त्राही कर रहे हैं और कोरोना की जंग में शामिल होते हुए भी कहीं पे भी उनको इकोनॉमिक पैकेज कहीं नहीं मिला। नेतृत्व में सभी कांग्रेस के नेता परमन भल्ला जी, विंदर शर्मा जी, मनमोहन सिंह जी और हमारे कॉर्पोरेट साथी, युवा कांग्रेस के साथी, महिला विंग की हमारी महिलाएं और छात्र संघ के हमारे साथी सभी मिलकर आज ये जो भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल और के दाम जो दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, साथ में जो जम्मू की सरकार, जो एलजी सरकार जो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा रही है, उसके खिलाफ कच्ची छावनी चौक में हम लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एलजी ऑफिस की तरफ जाएंगे और उनको ये चेताने के लिए कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये रोल बैक किया जाए और ये जो गैस पेट्रोल और डीजल के दाम दिन ब दिन जो सरकार जो भाजपा बढ़ा रही है उनको वापस लिया जाए। आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो महंगाई पे है। दिन पे दिन महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। हमारी आज हमारा मकसद यही है, सोई हुई सरकार को जगाना, जिनकी कथनी और करने में बहुत ही अंतर है। उनके जो बादले थे वो सबका विकास सबका साथ, आज हमारी बहनें हमारे भाई बुजुर्ग सब यही उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका सबका साथ सबका विकास है कहाँ पे? जो आपने इतने खोखले वादे किए थे वो आज क्यों नहीं आप जनता में निभाए जा रहे हैं? क्यों नहीं जनता की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? आज गरीब जनता जो है वो रोडों पे निकली है। दिन भी दिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। सिलेंडर गैस की कीमत इतनी हो गई है कि हमारी बहनाएं हमारा जो बुजुर्ग हैं वो जो एक घर को इतनी मुश्किल से चलाती हैं, दिहाड़ी लगा के बर्तन साफ करके करवाती हैं, वो आज अपना सिलेंडर गैस की कीमत कैसे करवाएंगी? आज जो सरसों का तेल है वो 170 पे लीटर 190 पे लीटर जा रहा है। तो हम यही सरकार से पूछते हैं कि दिन बे दिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, हमारी गरीब जनता जो है वो क्या करेगी?